एक्शनेबल क्लेम टर्म से ही समझ आ रहा है, ऐसा क्लेम जिसको आप कोर्ट में जाके एनफोर्स करवा सकते हैं। अब देखिए यहां पे भी वही कहानी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइप की। यहां भी आपने टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके रखी होगी जो आप याद करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये एक्शनेबल क्लेम होता है, ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। ऐसा अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हैं तो अगले 10 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शायद फिर उसके बाद आपको वो रटने की जरूरत ना पड़े। सो ये जो एक्शनेबल क्लेम की जो डेफिनेशन इस पर्टिकुलर एक्ट में दी है, जरा एक बार उसको पढ़ते हैं। ये तो जनरल बात मैंने आपको बता दी, कोई भी ऐसा क्लेम जिसको आप कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकते हैं, दैट इज एक्शनेबल। कुछ स्पेसिफिक फीचर एक्शनेबल क्लेम के इस डेफिनेशन में दिए हुए हैं, उसको अपन समझते हैं। अब देखिए एक्शनेबल क्लेम, एक चीज समझना, बेसिकली एक्शनेबल क्लेम जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म। भाई ये डिजिटल बोर्ड है, इट हैज अ फिजिकल फॉर्म, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिजिटल बोर्ड है, क्योंकि मेरी पोजेशन में है, तो आप ये भी प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये मेरा है ना, ये प्रिजम्पशन भी आप कर सकते हैं। तो जो चीजें टेंजिबल फॉर्म में हैं उनके रिगार्डिंग तो चीजें डिटरमाइन करना ईजी है, बट ऐसी चीजें जो इंटेंजिबल है, अब मुझे एक व्यक्ति से 5,000 रुपए लेना है, उसने मुझसे उधार लिए थे, अब वो पेबल हो गए, अब मुझे उससे वो 5,000 वापस लेना है। ये देखा नहीं जा सकता कि 5,000 वापस लेना है, तो इस तरीके का इंटेंजिबल राइट बेसिकली ये एक्शनेबल क्लेम होता है। एक बार बैरेट से डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एक एक एसेंशियल को मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, तो आपको शायद वो याद करने वाली समस्या से आप बच जाएंगे। सो देखिए एक्शनेबल क्लेम में लिखा है, एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट। किस चीज का क्लेम? तो अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, एक्शनेबल में क्या सबसे पहले लिखा है? डेट। डेट मतलब, डेट का मतलब सिर्फ उधार नहीं होता, ध्यान रखना कहीं से भी पैसा लेना है, चाहे सर्विसेज के बदले हो, गुड्स के बदले हो, पैसा लेना है मुझे। डेट का मतलब ये नहीं कि आपने मुझसे 500 लिए थे, मुझे 500 वापस लेना है। नॉट जस्ट दैट, मैंने आपको पढ़ाया, आपने अभी तक मेरी फीस नहीं पे करी है, दैट इज ऑल्सो अ डेट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ डेट। मैंने आपको सर्विसेज दी, आपने पैसे नहीं दिए, दैट इज ऑल्सो अ डेट, ये ध्यान रखिएगा। सो एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और ये डेट कैसा होना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट कैसा होना चाहिए? नॉट सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए। सिक्योर कैसे कैसे कर लेते हैं लोग डेट को? मॉर्गेज के थ्रू। मॉर्गेज के थ्रू मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने गिरवी रख दी, आपने जमीन गिरवी रखी है मेरे पास, और फिर मुझसे आपने 50,000 रुपए उधार लिए, क्या ये डेट एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, बिकॉज इट इज सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज। जमीन भी तो आपने मेरे पास गिरवी रखी है, तो जो सिक्योर्ड है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा, चाहे वो मॉर्गेज से सिक्योर्ड हो, चाहे वो प्लेज हो। कल ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, प्लेज मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के जब आप करते हैं, दैट्स प्लेज। हाइपोथिकेशन, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। हाइपोथिकेशन, देखिए प्लेज में क्या होता है कि आप वो प्रॉपर्टी की पोजेशन ही दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। जैसे आपने अपनी ज्वेलरी एक ज्वेलरी शॉप पे गिरवी रख के लोन ले लिया, आपने अपना मोबाइल फोन किसी को दे के लोन ले लिया। हाइपोथिकेशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी इंजॉय आप कर रहे हैं, बट जब तक आप लोन पे नहीं करेंगे, इट बिलोंग्स टू दी अदर पर्सन। जैसे गाड़ी का लोन आपने लिया, फ्रिज आपने ईएमआई पे ले लिया किसी फाइनेंस कंपनी से, तो वो फ्रिज अभी किसका है? फाइनेंस कंपनी का। अगर आपने किस्तें नहीं भरी तो वो उठा, यूज आप कर रहे हैं, यू इस्तेमाल उसका आप कर रहे हैं, बट इट बिलोंग्स टू सम अदर पर्सन जिसने उसका पैसा पे किया है। जैसे बजाज फाइनेंस से आपने ईएमआई बनवा के फ्रिज ले आए, अब वो फ्रिज कैसा है? हाइपोथिकेशन पे है अभी, अभी वो एब्सोल्युटली आपका नहीं है, क्योंकि लोन आपको किसी और ने दे रखा है उसके बदले। सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिंग अ डेट। तो अगर आपका डेट सिक्योर्ड है तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। इट शुड नॉट बी सिक्योर्ड बाय ईदर ऑफ दीज मेथड्स, देन ओनली द डेट विल बी कंसिडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पढ़िए इसके बाद, ये तो सिर्फ डेट की बात है, इसके आगे देखिए।
सो मींस अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथेकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और टू एनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन. कोई और बेनिफिशियल इंटरेस्ट, किस चीज में बेनिफिशियल इंटरेस्ट? मूवेबल प्रॉपर्टी में. मूवेबल प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, दैट इज ऑल्सो एन एक्शनेबल क्लेम. अभी मैं आ रहा हूं इस पे, ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता क्या है इसको भी समझते हैं, आगे पढ़ लेते हैं. और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन दी पोजेशन ईदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंट एक्रूइंग कंडीशनल और कंटेंजेंट. इन तीनों टर्म को भी अपन समझेंगे कि वो इंटरेस्ट एक्रूइंग कंडीशन और कंटेंजेंट तीनों में से कोई एक हो सकता है. देखिए अब ये जिस बेनिफिशियल इंटरेस्ट की अपन बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में आपके, ये जनरली पजेशन से डराइव होता है. क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत क्लियरली लिखा है ऐसा बेनिफिशियल, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी में से बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो आपकी पजेशन में नहीं है, जो आपकी पजेशन में नहीं है, ना एक्चुअल पजेशन ना कंस्ट्रक्टिव पजेशन. सो ऐसा बेनिफिशियल इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से अराइज होने वाला जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी पजेशन में नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी किसी और के पास है, कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो जो बिलोंग मुझे करती है लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति की पजेशन में है, उसको तो वो जो बेनिफिट है या जो पजेशन का अधिकार है, दैट इज ऑल्सो बेसिकली एन एक्शनेबल क्लेम. एसआरए हमने पढ़ा है, एसआरए की क्लासेस अगर आपने करी हैं तो हमने सेक्शन 8 पढ़ा है, जहां आप क्या करते हैं, सेक्शन 8 में आप बेसिकली क्या करते हैं, सेक्शन 8 में आप प्रॉपर्टी की पजेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी की बेसिकली लेते हैं. वो है किसी और की पजेशन में, किसी और की पोजेशन में, लेकिन एंटाइटल्ड आप हैं उस प्रॉपर्टी के लिए. दैट्स व्हाट सेक्शन 8 ऑफ एसआरए सेज, कि वो प्रॉपर्टी है आपकी लेकिन वो है किसी और की पोजेशन में. उसे क्लेम करने का भी जो अधिकार है, उससे अराइज होने वाले बेनिफिट्स जो आपको पास क्लेम करने का अधिकार है, वो भी एक्शनेबल क्लेम है. सो एक्शनेबल क्लेम इज नॉट जस्ट डेट. डेट तो है ही, किसी भी तरीके का पैसे की रिकवरी, किसी भी तरीके के पैसे की रिकवरी जो कि सिक्योर्ड ना हो. और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक वो सर्टेन नहीं होता, जब तक वो सर्टेन नहीं होता तब तक वो एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता. जैसे फॉर एग्जाम्पल डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार. देखो भाई, अगर कोई डेट है, मैंने आपको सर्विसेज दी हैं, बदले में मेरी फीस थी मान लीजिए 80,000 रुपीज, आपने कोर्स पढ़ लिया, फीस पे नहीं करी, दैट इज एन एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि वो अराइज हो चुकी है, वो 80,000 मुझे लेना है आपसे. ऐसा ही एक ये चीज भी हो सकती है कि मान लीजिए ये तो मैंने आपको सर्विसेज दे दी और उससे मुझे पैसा आपसे लेना है, मैंने आपको कोई गुड्स दे दिए वो पैसा लेना है, या मैंने आपको पैसा ही उधार दे दिया, मैंने आपको 5,000 उधार दिए वो आपसे लेना है. यहां पे क्या है, असर्टेन सम ऑफ मनी होगा. असर्टेन मतलब एक निर्धारित पैसा, कि हाँ भाई इतनी फीस थी इतनी लेनी है, इतने उधार दिए थे विद इंटरेस्ट इतना लेना है, देयर इज अ स्पेसिफाइड सम. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां आपको पैसा लेना तो है बट वो स्पेसिफाइड सम नहीं होता, जैसे मीन प्रॉफिट लेने का जो अधिकार है, या रेंट का एरियर्स लेने का अधिकार है, वो स्पेसिफाइड है इसलिए वो एक्शनेबल क्लेम. अब अगर आप अपनी वो लिस्ट रखेंगे ना जो आपने रट रखी है कि ये एक्शनेबल क्लेम होता है ये नहीं होता, उसको समझ लीजिए जरा. एरियर्स ऑफ रेंट माना जाता है एक्शनेबल क्लेम क्योंकि वो फिक्स्ड है. एरियर मतलब जो पहले का रह गया, आपने रह लिया घर में लेकिन मेरे को दिया नहीं, मेरे को आपसे पैसा लेना 3 महीने का, तो 3 महीने का एक फिक्स अमाउंट होगा जो भी डिसाइड हुआ होगा, 60,000, 40,000, 20,000, 5,000, वट एवर इट इज, मैंने आपको सर्विसेज दी, एक स्पेसिफाइड अमाउंट होगा उसका, इतना मेरे को लेना है, सो दैट इज एक्शनेबल क्लेम. लेकिन अगर मुझे डैमेजेस क्लेम करने हैं किसी व्यक्ति से, मेरे अगेंस्ट कोई टॉर्ट हुआ है, मान लीजिए मेरा किसी ने डिफेमेशन किया, अब मैं जाके उसके अगेंस्ट सूट फाइल तो कर सकता हूं, एक्शनेबल तो है, और मैं पैसा भी ले सकता हूं कोर्ट से, किसी ने मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन किया, न्यूसेंस किया,
मैं जाके डैमेजेस ले सकता हूं कोर्ट से, या मान लीजिए मेरा किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया है, तो मैं इंटाइटल्ड हूं कोर्ट से कॉम्पेंसेशन या डैमेज लेने के लिए, लेकिन क्या वो एक असर्टेन सम होगा? द आंसर इज नो। वो जनरली असर्टेन सम नहीं होता, वो कोर्ट के पास जब मैटर जाता है वहां पे डिटरमाइन होता है आपका अमाउंट। इसीलिए इन चीजों को आप देखेंगे या आपकी लिस्ट में किधर देखेंगे, दे आर नॉट एक्शनेबल क्लेम, जहां सम एसर्टेन नहीं होता। जैसे मीन प्रॉफिट का भी ये होता है कि एडवर्स पोजेशन में थी प्रॉपर्टी, किसी ने जबरदस्ती पोजेशन ले रखा था किसी प्रॉपर्टी का, अब उसमें से कितना पैसा उसने कमाया है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द कोर्ट। इसलिए जनरली इसको एक्शनेबल क्लेम में नहीं इंक्लूड किया जाता। लेकिन जो एसर्टेन्ड सम है, कोई भी डेट हो या मूवेबल प्रॉपर्टी से अराइज होने वाला इंटरेस्ट, वो आपका हमेशा माना जाता है या उसको कंसीडर किया जाता है एज एक्शनेबल क्लेम।